बाहरों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हाय, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? तो ये वही आईना है जहां पे हमेशा मैं अपने आप को दुल्हन कम और भूत बनते हुए ज्यादा देखती हूँ घर आने के बाद। सो गाइज, आज मैं लेके आई हूँ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। आप लोगों को तो शायद याद आया होगा, मैंने हाल ही में कम्युनिटी में एक पोस्ट किया था कि आप लोगों को मेरा जो रूम है वो देखना है या नहीं देखना है। आप लोगों ने कहा कि भाई हाँ हाँ देखना है, तो मैंने सोचा कि हाँ क्यों नहीं, चलो दिखाई देते हैं रूम पर। और एक जो चीज है, इस पूरे रूम को मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, और सिर्फ दिखाने ही नहीं वाली हूँ। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते ही रहते हो पूछते ही रहते हो। तो मैंने सोचा कि चलो यार, इस वीडियो में मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में भी आप लोगों को बता दूंगी, और आप लोग भी मुझे अच्छी तरीके से जान लोगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना आप मिस कर दोगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, दिस इज माय दरवाजा, जिन्हें खोले बगैर आप अंदर नहीं जा सकते हो। अब ये तो जाहिर सी बात है ना। सो घर में एंट्री करने के बाद ही आपको लेफ्ट साइड में दिखेंगे ये बेड, जहाँ पे मैं पूरा दिन कुंभो कॉर्नर में तो घूमिए पोड़े थकी। सो बेड के लेफ्ट साइड में है ये वॉलपेपर, जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है। एंड यहाँ पे एक डस्टबिन रखा हुआ है जो कि यूज़ नहीं होता है बिल्कुल भी। और यहाँ पे है लैपटॉप का बैग, जिसके अंदर लैपटॉप भी है। और यहाँ पे कुछ बुक्स है जो किसी ज़माने में मेरा हुआ करता था, अभी तो बस शॉप के लिए रखा हुआ है और कोई काम नहीं है इसका। यहाँ पे है ओम शांति ओम का शो पीस, एक बैट है, रिमोट है, चश्मा है और कुछ नहीं है। ऊपर एक लाइट जलने वाला मिरर है और एक हस्बैंड और एक वाइफ बैठे हुए हैं। और ये जो शो पीस है, इसको मैंने राजस्थान से लाया था, बट इसको टांग के रखना पड़ता है, बट वो नहीं हो पॉसिबल हो पाया, तो यहाँ पे मैंने उन लोगों को रेस्ट करने के लिए बिठा दिया। और ऊपर आपको बहुत सारे शो पीस देखने को मिलेंगे एंड बहुत सारे टेडी बियर्स, टेडी वगैरह बहुत कुछ है, तो ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेड के जो राइट साइड है, इसका जो ये टेबल है, इसको मैं हमेशा खाली रखती हूँ, यहाँ पे मैं कुछ नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पे है द मोस्ट फेमस एंग्री बर्ड, जिसको देख के ही वो वर्ड्स मेकअप का एंग्री बर्ड वाला लाइन मुझे याद आया था। और यहाँ पे है दो स्वीट स्वीट हिरन, और उसके साथ एक फ्रेम है जो कि बहुत ही अच्छा दिखता है। और ये वाला जो हस्बैंड वाइफ है, वो उस साइड में भी था, तो दोनों को ही मैंने एक साथ यहाँ पे बिठा दिया। यहाँ पे एक टेडी बियर है, और ये टेडी है तो ये बहुत ही क्यूट लगता है मुझे। और ऊपर भी कुछ शोपीस रखे हुए हैं जो बहुत ही क्यूट क्यूट से है। अब बेड के ऊपर का पोर्शन में ये सारे बॉक्सेस जो है वो DIY है, और इसके अंदर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह रखे हुए हैं, जिसके ऊपर मैं शायद कभी वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है ये देखने में। सो इस वाले साइड का जो ओवरऑल लुक है वो कुछ इस तरह है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, घर का रूम का ये वाला पार्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड आप लोग भी मुझे बताओ कमेंट करके कि रूम का ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा। सो गाइस, रूम का ये जो राइट साइड का वॉल है, ये वॉल में एक बड़ा सा विंडो है एंड एक स्टैंड फैन रखा हुआ है। स्टैंड फैन है, हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो ये जो वॉल है ये खाली है, आप लोग ओवरऑल लुक देख लो इस साइड का। अब जो डोर का राइट साइड है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है एंड यहाँ पे मेरे सारे प्रोडक्ट्स वगैरह, जितना जो कुछ भी है, मैं इसके अंदर रखती हूँ मेरी डेली यूज़ के सारी चीज़ें। और इस कॉर्नर में मैं रखती हूँ मेरा ट्राईपॉड, वो वहीं पर रहता है। एंड यहाँ पे तीन बॉक्सेस है, इसके अंदर मेरे कुछ मेकअप के सामान है। इसके ऊपर मैं किसी और दिन आप लोगों को बता दूंगी, अभी ये सब नहीं खोल के दिखाऊंगी क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो फिर। तो ऊपर भी मेरे बहुत सारे मेकअप के सामान है जो कि बिखरा पड़ा हुआ है, तो उसको मैं अभी नहीं दिखाऊंगी। और वहाँ पे है मेरा म्यूज़िक सिस्टम, जो कि लास्ट टाइम मैंने कब प्ले किया था मुझे सच में बिल्कुल भी याद नहीं है।
तो बेड के ऊपर ये बड़ा सा गिटार बना हुआ है जिसके अंदर ये रेड कलर की लाइट लगी हुई है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है रात को, बट मैं इसको जला के कभी नहीं सोती हूँ क्योंकि मुझे अंधेरे में सोने का आदत है, तो मैं इसको ऑफ करके ही सोती हूँ। सो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो सारे लाइट्स लगे हुए हैं। तो इस रूम का यही प्रॉब्लम है कि सारे लाइट्स ऊपर हमने लगवाया है, इसीलिए वीडियो मैं यहाँ पे शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वीडियो शूट करने से शेडो आती है फेस पे, तो इसीलिए मुझे जहाँ पे लाइट्स है वहीं पर शूट करनी पड़ती है। गाइज़ यहाँ पे है बैल्कनी एंड ये नॉर्मल ही है, यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, तो इसको और भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा, फिर दिखाऊंगी एक दिन। गाइज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि मेरा रूम कैसा लगा, आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करो जल्दी से। सो गाइज थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और अभी मैं आप लोगों को देने वाली हूँ सारे क्वेश्चंस के पूरे पूरे आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि मैं कितनी साल की हूँ, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आप लोगों ने मुझे पूछा। तो मैं हूँ 24 ईयर्स की, एंड उसके बाद आया था कि मैं एडुकेशन ये सब के बारे में, तो हाँ मैं ग्रेजुएट हूँ और बस नॉर्मल पढ़ाई कर लिया, थोड़ा बहुत इधर उधर का भी पढ़ाई किया, बट कोई काम नहीं किया मैंने, बस जो मन में आया वही पढ़ाई किया, कुछ ऐसा नहीं है कि उसका कुछ ये नहीं है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि मैं क्या हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, क्या हूँ मैं? सो यस गाइस मैं मुस्लिम हूँ, एंड ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि आफ्टर इंडिया क्या हो, हिंदू हो मुस्लिम हो। वैसे मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि आप लोगों को ऐसे किसी को पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सब सेम हैं, तो धर्म वर्म का कुछ चीज़ नहीं है यहाँ पे। बट हाँ आप लोगों ने पूछा, आप लोग मेरी फैमिली हो, तो इसीलिए मैंने इसका आंसर आप लोगों को दिया। और एक जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैं कहाँ पे रहती हूँ, तो हाँ मैं कोलकाता से हूँ, एंड कोलकाता का ही कोलकाता के अंदर ही रहती हूँ, यहाँ पे एक सिटी है तो मैं वहाँ पे रहती हूँ। एंड गाइस मैं बंगाली हूँ, जाहिर सी बात है, तो मैं बंगाली हूँ, मैं बंगाली में बात करती हूँ, इसीलिए शायद हिंदी कुछ उल्टा सीधा कहती हूँ, बट या कोई बात नहीं, आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोग एडजस्ट कर लोगे थोड़ा बहुत। जो चीज़ है, बहुत सारे लोगों ने पूछा फैमिली के बारे में, तो हाँ हम 3 बहनें हैं और उनमें से सबसे छोटी हूँ मैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि छोटी हूँ इसीलिए सबसे प्यारी हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मैं घर की नौकरानी हूँ, मुझे ऐसे ही ट्रीट किया जाता है, घर का सारा काम मुझसे ही करवाया जाता है, तो प्यारी वारी कुछ भी नहीं हूँ, मैं घर की नौकरानी हूँ, छोटी नौकरानी हूँ। और एक जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या मैं कोई जॉब करती हूँ या फिर घर पे ही रहती हूँ। सो हाँ मैं घर पे ही रहती हूँ, मैं बाहर नहीं जाती हूँ, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा आलसी टाइप की हूँ मैं, मुझे अच्छा ही नहीं लगता घर से बाहर जाना, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे घर पे ज़्यादा रहना बहुत पसंद है, घर के अंदर रहो, घर का काम वाम करती हूँ सब कुछ, तो घर पे रहना मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, पता नहीं क्यों, इतनी आलसी कि मैं क्यों हूँ पता नहीं, बट हाँ मैं तो हूँ ऐसी, अब क्या करूँ। और एक जो चीज़ें आप लोग मुझे बहुत बार कहते हो कि रिजू कौन है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा हस्बैंड है, मेरा फियांसे है, वो क्या है? सो यस गाइस मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक में किसी और दिन बात करूंगी, जब रिजू मेरे साथ होगा, तो हम दोनों हमारे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोग उस दिन आप लोगों को देंगे ज़रूर। और अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों के दिमाग में आए मुझे लेके, तो आप लोग कमेंट में जाके लिख सकते हो। एंड ये जो पूरा रूम का जो हमने टूर आज आप लोगों को करवाया, सो आप लोग वो भी मुझे बताना कि रूम टूर कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा लगा, बुरा लगा, नहीं लगा, क्या लगा, ज़रूर बताना कमेंट करके मुझे। एंड गाइज आप लोग मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैं डायरेक्टली आप लोगों के साथ कनेक्ट होती हूँ, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस है, बात है वीडियो रिलेटेड, आप लोग बहुत कुछ सजेस्ट करते हो मुझे कि दी आप ऐसे वीडियोस बनाओ, दी आप वैसे वीडियोस बनाओ, तो वो सारे सवालों के जवाब नहीं सॉरी आइडियाज़ जो है आप लोगों से मुझे डायरेक्टली मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग क्या देखना चाहते हो आप लोग मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो कमेंट में क्या होता है, हमेशा कुछ टाइम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ तो कमेंट चेक नहीं कर पाती हूँ, बट आप लोग मुझे
वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ। बहुत सारे वहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर्स से उन लोगों से मैं बहुत बातें करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों को भी अगर मेरे साथ डायरेक्टली बात करना हो तो आप लोग मुझे इंस्टा में मैसेज कर सकते हो। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।